अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वैसे कुछ बात हुई उससे? बताया उसने कि वो ऐसी डरी हुई क्यों है? नहीं रविंद्र जी, वो तो बेचारी हमेशा डरी सहमी सी रहती है। आज तो इतनी खोई हुई थी कि उसकी चुन्नी भी जलने वाली थी। काया इतनी सहमी, इतनी परेशान क्यों है? मैं बात करूं क्या उससे? नहीं, राधिका उसकी बहन है, उसे ही सब संभालने दो, मुझे बीच में नहीं पड़ना। पता नहीं किस सदमे की वजह से हमारी बहन की आवाज चली गई। दिव्यम जी, आप काया को डॉक्टर के पास दिखा कर ले आएंगे प्लीज? जल्दी से जाके सास जी के कमरे में ये सामान रखाते हैं। क्या हुआ दिव्यम जी? अगर आपको काम है तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं राधिका, ऐसा कुछ नहीं है, हम दिखा देंगे डॉक्टर को, तुम भी साथ चलना। जी, बस भोलेनाथ की कृपा हो जाए और हमारी बहन की आवाज जल्दी से लौट आए। भैया इसे जल्दी भगाना होगा यहाँ से, नहीं तो ये सबको बुला लेगी। घर में भूत है, भूत घर में, भूत है, भूत घर में, भूत है, घर में, भूत है, घर में, घर में, भूत है, भूत, भूत, राधिका घर में भूत है। काया, अरे क्या क्या, काया 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 काया, यही सही मौका है, सासी का मेकअप वापस रखाते हैं। शांत शांत उठो उठो, कोई कोई भूत नहीं है, देखो शांत उठो, कोई भूत नहीं है, वह होगा तुम्हारा। मैंने देखा था, मैंने यहाँ पे देखा था भूत को, ये सफेद चेहरा बिखरे हुए बाल, मैंने अभी यहाँ पे देखा था। नहीं काया इधर देखो, देखो सब यहाँ पर है, कोई भूत नहीं है, तुम्हें भ्रम हुआ होगा, शांत हो जाओ सब ठीक है। भूत का तो पता नहीं, पर देखो 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 काया की आवाज वापस आ गई। अरे हाँ काया, ने तो ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हारी आवाज वापस आ गई। थैंक यू भोलेनाथ, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, हमारी बहन की आवाज वापस आ गई। कौन था वो नालायक जिसने मेरे पूरे प्लान पर पानी फिर दिया? काया तुम देखना, जैसे तुम्हारी आवाज वापस आ गई ना, हमें पूरा यकीन है कि बहुत जल्द तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी। तुम्हारी बहन का वादा भी है और यकीन भी, जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती ना, हम तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी राधिका, आखिर तू ही तो है जो सब ठीक कर सकती है। ये राधिका कहाँ रह गई? आरती के लिए देर हो रही है। राधिका आ गई चाची जी। सॉरी माँ जी, वो आने में देर हो गई। वैसे दादी कहाँ है? वो तो अपनी सहेलियों के साथ तीर्थ पर जाने वाली थी ना, चली गई क्या? हाँ, तुम्हारे इंतजार में थोड़ी ना बैठी रहेंगी माँ।
माँ जी हम तो समय से तैयार हो गए थे, बस काया को तैयार कर रहे थे इसलिए थोड़ी देर हो गई। हमने सोचा नीचे पूजा में आएगी तो उसे अच्छा लगेगा। भाभी आरती शुरू कीजिए। हर हर महादेव। काया काया तुम ठीक हो ना? पता नहीं अचानक से क्या हो गया था, मैं तो बस आरती ले रही थी। आरती लेने के चक्कर में तुमने आरती बुझा दी? हाँ अपशगुन कर दिया ना तुमने। अब कोई बात नहीं भाभी, काया की तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी आरती हो चुकी थी। जब फिल्म की करीब ना ही होगा काया, संभल के क्या हो गया? काया काया क्या हो, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तुम्हें चक्कर क्यों आ रहे हैं बार बार? पता नहीं सर भारी सा लग रहा है। राधिका अपनी बहन को रूम में लेकर जाओ, उसे अभी आराम की जरूरत है। जी पापा जी, आ जाओ। राधिका तुम जा रही हो, मेरा फोन चार्ज पे रख देना। जी आ जाओ। दिव्या मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत हॉट किया है, लेकिन मैं तुम्हारी नाराजगी दूर कर तुम्हारा दिल वापस जीत कर लूंगी। हे तुम बची तो बची कैसे? मृदुला आज तो भगवान भी इसे दूसरा जन्म नहीं दे पाएंगे। एक बार गलती कर चुकी हो तुम, दूसरी बार गलती कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। फोन चार्ज हो गया। क्या हुआ राधिका, वैसे सो क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है ना राधिका? राधिका बुखार तो नहीं, तो कंबल ओढ़कर क्यों सोई हो तुम? राधिका काया कमरे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, लेकिन मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। लेकिन खैर मैं अपना हक वापस लेकर ही रहूंगी। दिव्या तुम यहाँ पे? काया सॉरी वो मैं गलती से यहाँ आ गई, मुझे लगा कि ये मेरा कमरा है और ठंड सी लग रही थी और कमजोरी सी भी लग रही थी, मेरा ध्यान नहीं गया और मैं कंबल ओढ़ के सो गई।
कोई बात नहीं काया, वैसे तो तुम्हारा कमरा दूसरी तरफ है, लेकिन अब तुम यहाँ पर आ गई हो तो थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लो, हम बाद में ले जाकर तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ देंगे। लेकिन राधिका, क्या हुआ दशम जी? कुछ नहीं, मुझे मेरी ब्लैक फाइल ढूंढ दो। हाँ। राधिका जी, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। रात को 9 या 10 बजे के आसपास मैं ही आऊँगा। ठीक है, हम आपके लिए खाना तैयार रखेंगे। ठीक है। हम तो हमेशा से चाहते थे कि ये कमरा दिव्यम और काया का हो, लेकिन हमारे नसीब में तो ये गोलमुखी लिखी थी। माँ, इतना उदास होकर क्या देख रही हो? कानपुर क्लब में बेस्ट कपल ऑफ द ईयर का फंक्शन रखा है, और तुझे पता है ये फंक्शन बहुत मशहूर है। ये तो मेरा सपना था, जब तेरी शादी होगी मैं तुझे और तेरी बीवी को इसमें हिस्सा दिलाऊंगी। देखो, बहू के मामले में मेरी किस्मत तो फूटी ही निकली, तेरी खुद की पत्नी तेरी जान के दुश्मन निकली। अब मैं कैसे उसे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कहूँ, तू ही बता। कोई बात नहीं माँ, अगर मैं और कली नहीं जा सकते तो क्या हुआ, दिव्यम और राधिका तो इसमें हिस्सा ले ही सकते हैं ना, और वैसे भी बेस्ट कपल का अवार्ड तो बंसल परिवार में ही आना चाहिए। जैसे राधिका मिसेस कानपुर बनी थी, देखना ये दोनों भी अवार्ड जीत ही जाएंगे। हाँ भाई, जब मेरा बेटा और बहू बेस्ट कपल नहीं बनेंगे तो मैं उस सुजाता की बहू और बेटे को भी बनने नहीं दूंगी। इस कली को तो मजबूरी ने इस घर में बहू बना के लेकर आए थे, पर अब बुआ जी भी वापस जा चुकी है और मम्मी जी भी घर में नहीं। यही सही मौका है इसी बहाने उस गवार को घर से बाहर निकालने का, ताकि मैं अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से करा सकूं। नौकरानी से नौकरानी तो बनाई दिया है, पर अब ये सास जी हमें इस घर से धक्के मार के निकालने का प्लान कर रही है। नहीं नहीं, हमें कुछ भी करके गोलू जी को पटा कर रखना होगा। इतना काम है इस घर में कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, एक सेकंड की फुर्सत नहीं देता कोई। कली भाभी, आप जाकर आराम कर लीजिए ना, थोड़े से ही बर्तन बचे हैं, हम धो देंगे। रहने दीजिए देवरानी जी, अगर किसी ने देख लिया तो फिर हमें दुगनी सजा मिल जाएगी। कली भाभी, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, अगर कोई पूछेगा ना तो हम बोल देंगे कि हमने आपको आराम करने के लिए कहा है। ठीक है। मम्मी का वीडियो कॉल, हम तो मम्मी को काया के बारे में बताना भूल ही गए, अभी बता देते हैं। हेलो। हाँ मम्मी, कहाँ हो तुम? कितने दिन हो गए बेटा, एक कॉल तक नहीं किया तुमने। दामाद जी के साथ घूमने गई थी ना, वहाँ सब कुछ कैसे रहा? मम्मी, वो हमें ना कॉन्फ्रेंस में काया मिली। मम्मी आपने सुना ना, ये नेटवर्क भी अभी चला गया। क्या बात कर रही थी राधिका, कुछ समझ में नहीं है। लगता है नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, आराम से बाद में फोन कर लेंगे मम्मी को। राधिका, काया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम जाके आराम करो कमरे में। आदु, तुझे मेरे वजह से बहुत तकलीफ हो रही होगी ना। पागल हो क्या काया, तुम हमारी बहन हो, तुम्हारी वजह से हमें कभी भी कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। अच्छा वैसे आज तुम रसोई का रास्ता कैसे भूल गई? तुम तो कभी रसोई में कदम भी नहीं रखती हो ना, फिर बहुत बदल गई हो काया तुम तो। सिर्फ मैंने, और भी बहुत कुछ बदल गया।
अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ना हमारे हाथ का बना हुआ टेस्टी टेस्टी खाना खाओ बस। हम ना तुम्हारे लिए बहुत कुछ बना रहे हैं, ये देखो हमने तुम्हारे लिए सैलेड बना दिया और ब्राउन राइस बना रहे हैं, और ये तड़के वाली दाल बना रहे हैं, तुम्हें पसंद है ना? ये सूखी लाल मिर्च कहाँ रख दी हमने? अरे वो रखी है। और रुको मेरा, हाँ मैं तो बस तेरी मदद करने की कोशिश कर रही। रुको मैं पानी लाती हूँ। राधिका ये पानी ले। राधिका तू ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। सबको तो खाना खिला दिया हमने, पर पता नहीं क्यों इतना सर भारी हो रहा है। काम करते हैं तो फिल्म जी को फोन करके पूछ लेते हैं कि कब तक आएंगे। राधिका, राधिका मैं पानी लाती हूँ। राधिका ये पानी ले। इतनी भारी है कि उठती नहीं रही। इतने महीनों में उसने एक इंच भी कम नहीं किया। सॉरी राधिका, मुझे तुझे नींद की दवाई देनी पड़ी। कि मैं क्या करूं? अपनी गलती और नादानी के चक्कर में जिस प्यार को मैंने गवाया, उसे पाने के लिए ये करना एक मेरी मजबूरी है। दिव्यम जी खाना कर लगाने का नल चालू है क्या? राधिका
राधिका ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बाथरूम में नल चालू है, तुम लेटी हुई हो यहाँ पे। राधिका, राधिका। ये लड़की 9:30 बजे में कैसे सो गई? इतना जल्दी तो ये कभी सोती नहीं। खैर मैं ये नल बंद कर देता हूँ। क्या करते हैं ये लोग, पानी यहां तक आ गया है। काया तुम ठीक हो? क्या हुआ? एक सेकंड रुक जा राधिका, एक सेकंड, आराम से आराम से आराम से, चलो बाहर चलो। तुम यहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं राधिका को जगा दूँ। राधिका, राधिका उठो, काया की तबीयत खराब हो रही है। ये लड़की उठ क्यों नहीं रही है राधिका? वो बेचारी मेरा ख्याल रखते रखते इतनी थक गई थी कि उठ ही नहीं रही है। और भोलू भैया ने दही कचोरी दी थी ना, तो वो खा के उसे इतनी तेज नींद आ रही थी कि फौरन ही सो गई। तुम हमारे रूम के वॉशरूम में क्या कर रही थी काया?